आई एम योर होस्ट रजनी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल नेक्स्ट माय लाइफ। आज भी करेंगे बात बॉलीवुड गलियारों की, उन गलियों को लेकर जहां पर इस बार क्या कुछ हो रहा है खास। तो शुरुआत सबसे पहले सनी देओल के बेटे यानी कि राजवीर देओल के साथ। राजवीर देओल फाइनली कर रहे हैं बॉलीवुड में डेब्यू अपनी फिल्म दोनों के साथ। और अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए कहां पहुंचे राजवीर अपनी एक्ट्रेस के साथ, देखिए ये वीडियो। सेंटर में होल्ड करना मैम, सेंटर में होल्ड करना। सिंगल सिंगल मैम, थोड़ा पीछे जाएगा छाव में, छाव में और 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 बराबर है। सेंटर प्लीज। चलिए बात करते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी को लेकर। जो अक्सर चर्चा बटोरती है अपनी पर्सनल लाइफ से ज्यादा अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, लेकिन हाल ही में शिल्पा शेट्टी को स्पॉट किया गया इंडियाज बेस्ट डांसर के सेट पर, जहां पर कैसा था शिल्पा शेट्टी का ये लुक, देखिए ये वीडियो। शिल्पा जी, शिल्पा जी आप भूमि पेडनेकर को लेकर। फाइनली भूमि पेडनेकर को स्पॉट किया गया मुंबई एयरपोर्ट पर। किस तरह से पैप्स के सामने दिया भूमि ने पोज, देखिए ये रिपोर्ट। चलिए बात करते हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर के साथ साथ करिश्मा कपूर को लेकर। दरअसल जानवी कपूर और करिश्मा कपूर दोनों को हाल ही में मुंबई के एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। दोनों ही एक्ट्रेसेस को लेकर किस तरह से पैप्स की भीड़ उमड़ आई और कैसे दोनों ही एक्ट्रेसेस ने की पैप्स से बातचीत, देखिए ये वीडियो। राजेश
आराम से आना। चलिए अब चलते हैं और बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं फेमस एक्टर और होस्ट जय भानुशाली की। वेल, जय भानुशाली जो हाल फिलहाल में इंडियाज बेस्ट डांसर के सेट पर स्पॉट किए गए, जहां पर किस तरह से उन्होंने फाइनली लिया था लुक और कैसे सेट पर आए नजर, देखिए ये रिपोर्ट। भाई यहाँ पे, थैंक यू भाई। मनीषा रानी जो कि बिग बॉस के बाद काफी ज्यादा चर्चा में आ चुकी है, और वजह यहाँ पर उनका म्यूजिक जो कि अभी हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ टोनी कक्कड़ के साथ। मनीषा रानी को एक बार फिर से स्पॉट किया गया इंडियाज बेस्ट डांसर के सेट पर। कैसा था मनीषा रानी का अंदाज, देखिए ये वीडियो। हाँ, रुक जाइए थोड़ा, बॉस मिनट आप रुक जाइए, अंदर ये अंदर कोई नहीं जाएगा, अंदर हम खुद आ जाएंगे। अरे मतलब चलिए बात करते हैं उर्फी जावेद को लेकर। वेल, उर्फी जो अक्सर ट्रॉल होती है अपने कपड़ों की वजह से, लेकिन इस वीडियो में अगर आप उर्फी को देखेंगे तो देखकर पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि इस बार इस वीडियो में उर्फी ने पहने हैं पूरे कपड़े, या फिर यूं कहें कि उर्फी ने पहना है लाल रंग का जोड़ा। कैसा है उर्फी का ये लुक, देखिए ये वीडियो। उर्फी मैम यहाँ पे, देखिए यहाँ पे प्रतीक भाई, उर्फी मैम इधर। उर्फी जी यहाँ पे, देखिए यहाँ पे उर्फी जी, उर्फी 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 वो निकल रहा उसपे से मस्त दिख रहे हैं लग रहा है उसपे। आप ही हो, आप ही हो, जो भी हो आप ही हो। चलिए बात करते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री की फेमस सिंगर सुनिधि चौहान को लेकर। हाल फिलहाल में सुनिधि चौहान ने गणेश चतुर्थी के खास मौके पर लेकर आई अपने घर बप्पा को, और ऐसे में क्या कुछ कहा बप्पा को लेकर सुनिधि चौहान ने, देखिए ये वीडियो। ये जो पल है मैम, उसके लिए हम काफी सालों से पूरे साल वेट करते हैं। कल से ये पल बापा दर्शन देने वाले, क्या कुछ कहना चाहोगे? ये सबसे खूबसूरत टाइम है, स्पेशली मुंबई में। और कोई फेस्टिवल हम लोग उतने अच्छे से सेलिब्रेट करें या ना करें, गणपति गणेश चतुर्थी ऐसा फेस्टिवल सब करते हैं, बहुत अलग ही मन होता है, अलग ही खुशी होती है। और ये मैं लास्ट ईयर से ही बस मैंने शुरू किया फॉर माई सन, बिकॉज शायद चीज़ें चेंज होती रहती हैं लाइफ में इंसान के, सो आई एम रियली attached to this night. Yes. I really love celebrating it like this and bring Baba home. क्या क्या importance आप बच्चे लोग को देते हैं इनके बारे में, बापा के बारे में? Festivities में बच्चे जब देखते हैं तो वो भी connect होते हैं। Yes. वो भी समझते हैं इसकी value. So it's a good time. Yes. इस साल का concept क्या है? कोई concept नहीं। जाते जाते एक छोटा सा गाना पापा के लिए और सन के लिए, आपका सन भी देख रहे हैं पीछे से, उसके लिए और आपके ऑडियंस के लिए जो इतना प्यार देते हैं आपके हर एक गाने को। कोई भी आपका कोई भी गाना, विच वन यू वॉन्ट मामा टू सिंग अ सॉन्ग, विच वन इज सिंग? I really think of a song.
देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश बस थैंक यू सो मच मैम थैंक यू सो मच थैंक शिव ठाकरे जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है लेकिन गणेश चतुर्थी के इस खास मौके पर क्या किया स्पेशल मुंबई पुलिस वालों के लिए शिव ठाकरे ने देखिए ये वीडियो शिवम शिवम कवर किया रे अरे यार किधर घुस रहे हो आप मोबाइल छाता ले क्या विशाल 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 कोई गणपति चाहिए आपको कोई मूर्ति चाहिए मैं शौक हूँ गणपति करना की आपकी चमक मेंटली चाहिए आप शिव दादा कौन सा मूर्ति चूज किया है इधर मुंडा मूर्ति इधर मुंडी करा दो इधर पैक कर दिए बाबा रख ले हां तो दिखा दो बहुत प्यारी मूर्ति ये नहीं है वो मस्त है मस्त है मस्त है दिखा दिखा भाई भाई दिखा दिखा शिव भाई इधर इधर इकड़े अरे थोड़ा फील आउट यानी के नहीं डायमंड मूर्ति हाँ मस्त एकदम मस्त आपका जो फोटो था ना वो वाला फोटो बता ना तो बाइक कर लेते हैं मेरे को क्या बात है एकदम मस्त ये कैमरे को दिखाओ इधर इधर शिव दादा इधर शिव इधर मेरा कैमरा में थंबनेल मिल रहा हूँ हाँ इकड़े इकड़े क्या बात है दादा गणपति बाप्पा दो मिनट में बोलना मजे में था
दादा जब तक वो नहीं हो रहा है हम लोग दो दो करके बाइट कर लेते हैं, अपन पहले जल्दी हो जाएंगे। एक साथ ही करेंगे भाई, ऐसा अलग अलग नहीं। हां जनता करो, इधर रख दो बूम, इधर बूम रख दो। अमरावती जाएगा, पानी में विरोध कर रहे थे, तू उधर जाना। अरे टीवी के एक्ट्रेस संबुल तौकीर को लेकर। दरअसल इमली सीरियल से मशहूर हुई एक्ट्रेस संबुल तौकीर जो एक बार फिर से एक नए सीरियल में नजर आने वाली है। सीरियल का नाम है काव्या और इसी शो के प्रमोशन के लिए संबुल तौकीर पहुंची थी इंडिया बेस्ट डांसर के सेट पर। क्या कुछ कहा अपने शो को लेकर संबुल ने, देखे ये वीडियो। कहाँ पे? यहाँ पे राइड में शो का प्रोमो दिखाई गया? नहीं, पहले एक टीजर से देख के आ रहे हैं। प्रोमो जी का लोग पहले से देख के हम राइट साइड सेंटर सेंटर लुक सेंटर 25 तारीख सवाल में चलो अच्छा है। फैंस के लिए क्या मैसेज? फैंस के लिए अभी तक तो बहुत डेटा खत्म हो गया हर प्रोजेक्ट में, जस्ट दैट कि अभी एक और नई चीज़ आ रही है, एक और नया शो आ रहा है काव्या। सो आई जस्ट होप कि उन्हें वो भी उतना ही अच्छा लगे जितना मेरे पहले के सारे प्रोजेक्ट्स लगे। सो आई एम जस्ट होपिंग फॉर दैट। ओके, आपका रील भी बहुत वायरल हो गया, चलिए दोबारा बनाने वाला है अभी एक बार। छोटा ही मैं घर के पास मस्त कन्वीनियंट। थैंक यू। मुझे सामने मुझे सामने संभल जी आप प्रियंका जी का गाना आ रहा है। आज सबका टिक ऑफ है, शिव ठाकरे गणपति लेके आए, प्रियंका का भी अभी यहाँ से वही जा रहे हैं। सही है, माशाल्लाह सबके लिए बहुत अच्छी बात है। सब एक ही दिन आज ही चलो डन। मनीषा रानी भी है यहाँ पे।
काय घेणं देणं आहे त्यांचं आणि त्यांचं बिग बॉस अरे वो इन शॉर्ट बोल रहा है टीम में नहीं है मेंबर, आप आ जाओ शूट करने। भाई वो अपने को शूट कर तो कृष्णा से कान्हा तक कहाँ तक पहुँचा? कान्हा से कृष्णा तक वो जर्नी बहुत लंबी है, उसको भी टाइम है और जस्ट दैट कि वो बहुत बड़ा। तो देखा आपने ये थी आपकी खास रिपोर्ट, आप सबको कैसी लगी जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक ले दीजिए इजाजत, शुक्रिया।